निवाड़ी जिले के ओरछा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार को लेकर कहा कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं नहीं हैं, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, हमें जो महसूस हो रहा है मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। भाजपा की डबल इंजन सरकार पर अखिलेश यादव ने कहा कि 20 साल इन्होंने यहाँ पर राज किया, दिल्ली में एक सरकार रही हो, क्या डबल इंजन की सरकार इसीलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं, क्या डबल इंजन की सरकार इसीलिए बनी थी कि महंगाई बढ़ाएं। लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने वाले यह लोग कहते हैं कि लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं, तो आप बताइए कि 5 साल फिर राशन देना पड़ रहा है, यह देश की कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था को। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भी हम लोगों को साथ लाना चाहती थी, लेकिन यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हम लोगों को दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशन के बाद या तारीख निकालने के बाद दूर होते तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाते, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें पहले ही दूर कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी के हम लोग साथ लाना चाहते थे, लेकिन ये पछता हुआ हम लोग को पहले ही उन्होंने दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशन के बाद और तारीख निकलने के बाद दूर होते हैं, दूर करते हैं तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाते, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने हमें पहले ही दूर कर दिया। अगर यहाँ दूरी बनाई है उन्होंने, याद रखना आपको याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा था कि 2000 रुपए से चिप लगा हुआ है, मुझे कभी कभी लगता है कहीं ये ड्रोन चिप वाले 2000 रुपए ढूंढने को लिया शिवराज सिंह कह रहे हैं कि बहनों के आशीर्वाद से हम फिर से विजयी होंगे। देखिए वो मुख्यमंत्री है नहीं है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, मुझे जो महसूस हो रहा है मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं है उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे बीजेपी में। और मध्य प्रदेश की अगर आंकड़े सच्चाई से कभी जमीन पर पहुंचेंगे और जमीनी हकीकत के अगर आंकड़े होंगे तो 90% यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, यहाँ के कमजोर लोग जिन पे खेती बाड़ी नहीं है वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सोचो ये दुर्दशा हो, 20 साल सरकार एक पार्टी की रही हो, दिल्ली में एक सरकार रही हो, क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाए, डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि महंगाई बढ़ाए, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं, अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है, ये देश का कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था और ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम से कम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि इतने बड़े पैमाने पर गरीब हैं जिनका अभी भी हम जीवन यापन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं।